अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो बात करते हैं सिलिया नेटवर्क के ऊपर। इसके ऊपर मैंने आज से एक महीना पहले बता दिया था आपको कि इसको आपने ज्वाइन करना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अकाउंट कैसे बनाना है वो भी आपको इसी वीडियो में बता दूंगा, और इसकी केवाईसी फर्स्ट कैसे करनी है वो भी बताऊँगा, और केवाईसी सेकंड भी इनकी आने वाली है। इन्होंने ऑलरेडी ट्वीट कर दिया है, जो इनकी अपडेट आई थी मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की थी। व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसके बाद आपने सिलिया को भी रजिस्टर कर लेना, और रजिस्टर करने के बाद क्या प्रोसीजर है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इनकी अपडेट की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि केवाईसी सेकंड कंप्लीट करने के बाद आपको बाइनेंस स्मार्ट चेन वॉलेट जो है ना वो आपने ऐड करना है। आपके जो टोकन है वो बाइनेंस स्मार्ट चेन में चले जाएंगे, यानी कि इनकी जो लिस्टिंग की डेट है वो बहुत ही करीब है, यानी कि एक महीना जो रह गया इनका। जब केवाईसी सेकंड प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तमाम क्लोज हो जाएगा, उसके बाद इनका ये है ना लिस्टिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना, अच्छे कॉइन मिल रहे हैं। आप डेली यहाँ से 8 से 10 कॉइन अर्न कर सकते हैं। अकाउंट कैसे बनाना है, अकाउंट आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना, ईमेल को वेरीफाई करना, उसके बाद आपने इसको लॉगिन करना है और आपका अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर या तो आपने यहाँ पर टैप करना है इसके ऊपर, या यहाँ पर देखिए कि माई, ठीक है, या फिर आपने क्या करना है यहाँ पर 3 डॉट के ऊपर टैप करके डैशबोर्ड में आना है, ऐसे ओपन होगा। उसके बाद आपने अगैन यहाँ पर टैप करना है, और यहाँ पर आप देखें कि डैशबोर्ड माइन सिलिया और केवाईसी लिखा हुआ है। केवाईसी अभी देखिए, मेरा जो फर्स्ट केवाईसी वो अनक्वालिफाइड है। अनक्वालिफाइड क्यों है, यहाँ पर देखें, अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर लिखा हुआ है यू मस्ट बी करंटली माइनिंग, कि आप माइनिंग कर रहे हो, और सेकंड जो है यू मस्ट हैव अ स्ट्रीक ऑफ 15 डेज और मोर, कि आपके पास जो स्ट्रीक होना चाहिए वो 15 डेज की होनी चाहिए। अभी जो मेरे स्ट्रीक है वो देखें माइन सिलिया 14 डेज की स्ट्रीक है। तो आपने क्या करना है, जब आपने यहाँ पर 3 डॉट के ऊपर टैप करना है, माइन सिलिया के ऊपर जाना है, उसके बाद आपने माइन सिलिया के ऊपर टैप करना है। तो यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है कि अगर आप 6 आवर की माइनिंग करते हैं तो आपको 2.25 मिलते हैं, यानी कि अगर पूरे दिन में अगर 4 बार आपने माइनिंग करनी हो तो आपको जो कॉइन मिलेंगे वो तकरीबन मिलेंगे 9 कॉइन मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप 12 घंटों की जो माइनिंग करते हो, यानी कि दिन में 2 बार माइनिंग करते हो, तो आपको जो कॉइन मिलेंगे वो तकरीबन 7.2 मिलेंगे, 7.4। अगर आप 1 डे की यानी कि 24 आवर्स के बाद आकर यहाँ पर माइनिंग करना चाहते हैं, यानी दिन में 1 बार, तो आपको 4.5 मिलेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप 4.5 लेना चाहते हैं, 7.2 लेना चाहते हैं, या जो है 9 कॉइन लेना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर 6 आवर के ऊपर टैप, यहाँ पर जो ऐड था मैंने हाइड कर दिया सिक्योरिटी रीज़न की वजह से, आपने ऐड को वॉच करना है। उसके बाद यह आपका यहाँ पर टाइम स्टार्ट हो जाता है। मैंने 6 आवर की लगाई है, तो 6 आवर के बाद मैंने दोबारा यहाँ पर आके इसको माइन कर लेना, और यहाँ पर मैं अगर देखूँ अपनी स्ट्रीक 15 हो गई है। तो यहाँ पर देखें, पहले अनक्वालिफाइड था, अभी क्वालिफाइड हो गया, क्योंकि यहाँ पर उनने इनकी लिमिट होती है, एक इनका प्रोसीजर होता है कि आपकी 15 डेज की जो है ना केवाईसी की सॉरी माइनिंग की स्ट्रीक होना चाहिए, कि 15 डेज तक जब आप लगातार माइनिंग करते रहेंगे। यहाँ पर सिलिया को ओपन करना, यहाँ पर टैप करेंगे, माइन सिलिया को टैप करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको माइनिंग वाला ऑप्शन नज़र आएगा। 6 आवर की लगाते हैं या 12 आवर्स की या 1 डे वाली, वो आपके ऊपर डिपेंड है। जब 15 डेज की हो जाती है, यू हैव अ स्ट्रीक स्कोर ऑफ 15 डेज माइन फॉर 5 डेज इन अ रो टू गेट रिवॉर्डेड विथ सिलिया फॉर सिलिया। तो यहाँ पर ये मुझे कह रहा है कि 15 डेज की मेरी स्ट्रीक हो गई है, स्ट्रीक होने के बाद मुझे केवाईसी भी मिल गई है। अभी साथ कह रहा है कि 5 डेज और मैं यहाँ पर लगातार करूँगा माइनिंग, तो मुझे 4 सिलिया एज अ रिवार्ड के तौर पर मिलेंगे। तो इस तरह से आपने आप क्वालिफाई हो सकते हैं केवाईसी फेस फन के लिए, ठीक है। यहाँ पर फेस 1 लिखा हुआ है, फेस 2 ये अभी आने वाला है। तो फेस 1 में क्या करना है, आपने फुल नेम लिखना, फुल नेम वो लिखना है जो आपके ID कार्ड पर होता है, वही लिखना है आपने, नेम सेम एज इट वही लिखना है। उसके बाद आपने फ़ोन नंबर लिखना है, आप यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर लिख सकते हैं जो भी आपका है। मैं यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना कंट्री सेलेक्ट करना होता है कि आप किस कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर पाकिस्तान को सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले अपने नेम लिखना है, फ़ोन नंबर लिखना है, उसके बाद आपने कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने स्टार्ट फेस 1 केवाईसी के ऊपर टैप कर देना है। यहाँ पर टैप करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसको छोड़ दें। उसके बाद फेस 1 वेरीफाइड, यहाँ पर ऑटोमेटिकली बस वेरीफाइड हो गया मेरा अकाउंट। इसमें कुछ भी आपने नहीं करना होता, जस्ट आपने अपना नाम और फ़ोन नंबर और अपना कंट्री सेलेक्ट करना होता है। फेस 2 में ये हो सकता है, फेस 2 में ये हमारी जो है ना, पहले तो ये कह रहे हैं कि दिस फेस इंक्लूड्स एडिंग योर BEP20 वॉलेट एड्रेस फॉर CLT टोकन्स
यानी सीलिया टोकन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मोर डिटेल्स विल बी प्रोवाइडेड इन ड्यू फेज। इस फेज़ में ये हो सकता है कि आपकी फेस की वेरिफिकेशन हो या क्विज हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, और साथ में वो वॉलेट का कहेंगे कि आप यहाँ पर वॉलेट ऐड करें। तो ये था इसका प्रोसेस। सिलिया को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, इसको डेली माइंड करते रहें। यहाँ पर आपके अगर आप रेफर टीम बनाते हैं तो यहाँ पर आपके वेरीफाइड रेफर शो होते हैं, अनवेरीफाइड रेफर वो होते हैं जिन्होंने अकाउंट तो बना लिया होता है लेकिन उस जीमेल की वो वेरीफिकेशन नहीं करते, उस जीमेल को वेरीफाई नहीं करते। तो अभी मेरे 12 रेफरल हैं, 3 जो मेरे अनवेरीफाइड रेफरल हैं, और यहाँ पर आपका टोटल बैलेंस शो होता है जो आपका जो आपने माइन कर रहे होते हो। सिंपल इतना सा काम है, तो इसको बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।